तो गाइज अब हम इस तरह करेंगे कि ये एक्स माइन एक्स टू आ जाएगा, यहाँ पे बड़ी रकम माइनस में है तो वाई माइनस टू आएगा, ठीक है गाइज। तो अब हमने इसे पॉजिटिव करने के लिए, लेकिन बच्चे अक्सर गलती ये कर देते हैं कि इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके जाते हैं। ये याद रखे हमने सिर्फ एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है, तो माइनस सिक्सटीन और एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। तो गाइज हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री की जानिब। तो गाइज अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की जानिब। तो ये इस तरह होगा कि हमने इसको ऊपर लेके चले जाना, तो एक्स माइनस टू प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये हो गया y माइनस वन पॉजिटिव थ्री, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था नीचे में, और y माइनस फोर प्लस ज़ीरो, क्योंकि इसके साथ अब कुछ भी नहीं है ज़ीरो के साथ, तो हम यहाँ पे प्लस ही लिख लेते हैं, ठीक है गाइस। तो अब इस तरह होगा y माइनस सिक्स y टू और z माइनस फोर, ठीक है गाइस। तो अब हम इनको जैसा कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बताया गया था एक्स माइनस सिक्स को, यानी हमने इनको अलग-अलग कर लेना है, माइनस थ्री वाई टू माइनस थ्री और जेड माइनस फोर माइनस थ्री। तो एक्स प्लस एटीन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, y माइनस सिक्स और z ट्वेल्व, ठीक है गाइस। तो अब हमने सिक्स को पॉजिटिव करने के, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए एक स्टेप और करेंगे, x एटीन z ट्वेल्व ओवर y सिक्स। तो गाइस हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर की जानिब। तो ये इस तरह होगा कि थ्री का फोर और थ्री एन डॉट थ्री फाइव माइनस थ्री, यानी इसको आप इसके साथ भी लिख सकते हैं फोर एन माइनस वन, ठीक है गाइस। तो ये हो गया थ्री की वैल्यू फाइव, ठीक है गाइस, ओवर थ्री का स्क्वायर रूट, थ्री का स्क्वायर है नाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे टू आ जाएगा और यहाँ पे टू एन लिख लेते हैं, उसके बाद थ्री का स्क्वायर इस तरह, ठीक है गाइस। तो उसके बाद हम लिखेंगे कि थ्री फोर एन थ्री फाइव, ठीक है, माइनस थ्री फोर फोर एन माइनस वन ओवर थ्री फाइव। यहाँ पे आप हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स को ख़त्म करके, ठीक है गाइस। तो ये थ्री, अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर एन आ जाएगा। उसके बाद इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, तो जैसा कि पहले लॉ में बताया गया था एक्सपोनेंट के, अब हम इसे थ्री फोर एन प्लस फाइव, इसे माइनस थ्री फोर एन माइनस वन प्लस फाइव, ठीक है, और हम इसे लिखेंगे फोर एन प्लस थ्री। उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि थ्री फोर एन प्लस फाइव माइनस थ्री फोर एन, यहाँ से बच्चे घबरा जाते हैं, इसे प्लस करना ही भूल जाते हैं अक्सर बच्चे, तो हम इसे प्लस माइनस, तो हम इसे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस वन और प्लस फाइव आ जाएगा प्लस फोर, ठीक है, ओवर गाइस ओवर थ्री फोर एन प्लस थ्री। उसके बाद ये एलसीएम था, तो एक बार हम इस तरह भी लिख सकते हैं थ्री फोर एन प्लस फाइव ओवर थ्री फोर एन प्लस थ्री, ये इसका इन दोनों का मुश्तरका एलसीएम था। तो अब हम कॉम थ्री फोर एन प्लस फोर ओवर थ्री फोर एन प्लस थ्री। तो गाइस अब हम इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या एक किस्म के इसे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है गाइस। थ्री फोर एन प्लस फाइव, यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं, हम इसे ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी इसी तरह ही है, लेकिन वो रहने देते हैं। फोर एन प्लस थ्री माइनस थ्री फोर एन प्लस फोर, ठीक है, यहाँ पे आप माइनस आ जाएगा फोर एन प्लस थ्री, ठीक है गाइस। थ्री फोर एन प्लस फाइव,
अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 -4 एंड अब इसको इसके साथ करेंगे तो -3, ठीक है गाइस, -4 एंड +4। अब इसको इस माइनस को 4n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4n, माइनस को +3 के साथ करेंगे तो -3, ठीक है गाइस। उसके बाद ये इसके साथ कट गया और यहाँ से भी ये इसके साथ कट गया। तो गाइस ये अब हम इस तरह करते हैं 3 5 -3 -3 4 -3, ठीक है गाइस। तो ये 3 -2 आ जाएगा और ये 3 की वैल्यू 1, तो यानी ये 3 3 ही रहेगा और ये आएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा -3, तो ये आ गया 6। तो गाइस हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो गाइस अब हम चलते हैं 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। तो अब हम इसे इसको ऊपर ले जाएंगे, इनमें सब में इसी तरह ही करना है, हमने इन सब को एक के इज इक्वल लेना 1 के, ठीक है। तो गाइस हम इसे लिखेंगे x a - b, ठीक है, a + b मल्टीप्लाई xb - c, क्योंकि ये ऊपर चला गया तो माइनस हो गया, +b - c, ठीक है, मल्टीप्लाई xc - a c + a इज इक्वल 1। तो गाइस ये वो वाला फार्मूला हो गया, a - b a + b इज इक्वल है a² - b² फार्मूला, ठीक है। तो अब हम इन्हें इस तरह ही लिख लेंगे, a - b a + b, ठीक है गाइस, मल्टीप्लाई एक्स, या हम यहाँ पे डॉट भी लगा सकते हैं एक्स को मल्टीप्लाई को ख़त्म करके, b - c और b + c, ठीक है गाइस। उसके बाद xc - a c + a इज इक्वल आ गया 1 के, ठीक है। तो ये x a² - b² xb² - c² xc² - a² इज इक्वल 1, ठीक है गाइस। तो अब हम इन सब को मल्टीप्लाई को ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंट प्लस कर देंगे, a² - b² + b² - c² + c² - a² इज इक्वल 1। अब ये a से कट गया, b से कट गया, c से कट गया, तो गाइस एक्स की 0 1 आ गया, तो इज इक्वल 1। तो गाइस सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जैसे कि हमने बताया था, सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में बताया था a₀ = 1, तो यानी a यहाँ पे x है और 0 पे यानी x = 1 0 और यानी 1 = 1, ठीक है गाइस। तो अब हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम तो गाइस अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 की जानिब। तो अब हम इस तरह करेंगे 2 1/3 3 का स्क्वायर क्यूब रूट मल्टीप्लाई। अब हम इसको करने के लिए इसके फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम रफ अमल कर लेते हैं, रफ। ये एक्सरसाइज इस एतबार से बहुत अहम है क्योंकि इसमें से अक्सर लॉन्ग आ जाते हैं, ठीक है गाइस। 2 30 उसके बाद 2 15 3 5 उसके बाद 5 1, ठीक है गाइस। तो ये 2 बार है तो यानी 2² × 3 5 1/2। अब इसी तरह हम 180 के भी बना लेते हैं, 180। इसी तरह हम इसके भी फैक्टर बना लेते हैं, 90 आ गया, 2 का उसके बाद 45 आ गया, 3 1/5 आ गया, 3 5, और ये गाइस इस तरह इसके भी फैक्टर्स बन गया 180 के, यानी 2² × 3² उसके बाद 5 1/2।
टू मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस वन ओवर थ्री मल्टीप्लाई, अब ये है थ्री का स्क्वायर, ठीक है, नाइन, और हम इसे इस तरह, तो अब हम इसका को अलहदा अलहदा कर देंगे, टू का स्क्वायर ओवर टू थ्री, वन ओवर टू फाइव, वन ओवर टू ओवर का स्क्वायर वन ओवर टू, उसके बाद थ्री का स्क्वायर वन ओवर टू फाइव, वन ओवर टू, ठीक है गाइस, तो उसके बाद फोर माइनस वन ओवर थ्री, तो यानी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं गाइस, क्योंकि टू का स्क्वायर फोर है, ठीक है गाइस, यहाँ पे थ्री है, ठीक है गाइस, उसके बाद थ्री का स्क्वायर वन ओवर फोर, तो गाइस अब हम इस तरह करेंगे कि ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट गया, और यहाँ से इस तरह ये टू, ठीक है गाइस, तो अब ये आ जाएगा वन ओवर थ्री का थ्री, वन टू वन थ्री ओवर वन ओवर टू फाइव, वन ओवर टू ओवर टू का वन थ्री का वन फाइव, वन और टू माइनस वन ओवर थ्री, यानी यहाँ पे हम टू भी कर सकते हैं क्योंकि ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद थ्री वन ओवर टू, क्योंकि ये वाला टू इसके साथ फोर के साथ डिवाइड हो गया तो टू आ गया गाइस, ठीक है, उसके बाद अब हम इसे ऊपर ले जाते हैं, इन सब को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है गाइस, टू वन ओवर थ्री माइनस, पहले हम ऊपर वाले सब लिख लेते हैं यानी टू वाले, उसके अब ये वन हो गया, ये अब माइनस वन हो गया, उसके बाद ये प्लस टू ओवर थ्री, अब हम लिख लेते हैं थ्री के, तो प्लस प्लस वन ओवर टू माइनस वन और माइनस वन ओवर टू, तो अब हम फाइव के लिख लेते हैं, तो यहाँ पे वन ओवर टू, तो यहाँ पे फाइव का इसी तरह ही एक ही है, बल्कि यहाँ पे वन ओवर टू आएगा, ठीक है गाइस, तो ये कट गया, ये इसके साथ, ये भी इसके साथ, ये भी कट गया, ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे रह गया टू वन ओवर थ्री प्लस टू ओवर थ्री, तो यहाँ पे थ्री की वैल्यू रहेगी ज़ीरो और यहाँ फाइव की भी रहेगी ज़ीरो, ठीक है गाइस, तो ये इस तरह आ जाएगा, तो गाइस ये इनका एलसीएम सेम ही है, तो है ये हम इसे इस तरह लिख लेंगे और ऊपर वाले को वन प्लस टू कर लेंगे, तो ये वन आ जाएगा वन के इज इक्वल और ये भी वन के इज इक्वल, ठीक है गाइस, तो ये आ जाएगा टू थ्री ओवर थ्री, तो ये यहाँ से आप मल्टीप्लाई ख़त्म कर देंगे, यहाँ इस तरह आ गया और टू आ गया वन और ये इक्वल टू वन, तो गाइस हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, अब हम गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के दूसरे पार्ट की जानिब, तो ये इस तरह होगा सिक्स का क्यूब आ जाएगा टू ओवर थ्री मल्टीप्लाई फाइव का स्क्वायर ओवर वन ओवर टू, तो ये फोर, इसको हम इसके जितने डिजिट्स हैं उतनी ज़ीरो लगा देंगे, पॉइंट्स के नीचे वन लिख के उतने डिजिट लगा दें, तो ये सौ आ गया, ठीक है गाइस, उसके बाद माइनस वन ओवर टू आ गया और यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर रूट, ठीक है गाइस, तो अब ये इससे कट जाएगा और ये इसके साथ कट गया, तो ये हम इसको इसके साथ भी काट लेते हैं, ये फिफ्टी फाइव यानी वन ओवर ट्वेंटी फाइव माइनस वन ओवर स्क्वायर ओवर सिक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई फाइव वन, ठीक है गाइस, उसके बाद ये इस तरह आ जाएगा सिक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई फाइव वन ओवर फाइव वन ओवर फाइव का स्क्वायर माइनस वन ओवर टू का, ठीक है गाइस, उसके बाद हम इसे इस तरह करेंगे सिक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई फाइव वन, अब यहाँ से थोड़े से गौर से देखिएगा, अब हम इसे
ऊपर लेके गए हैं तो ये माइनस टू हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये माइनस वन ओवर टू गाइस। उसके बाद हम इसे इस तरह लिख लेते हैं कि सिक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई फाइव वन, उसके बाद ये आ गया फाइव। हमने इसको माइनस को माइनस के साथ काट दिया और वन इसको टू के साथ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इसकी भी वैल्यू वन रहेगी, ठीक है गाइस। उसके बाद हम इसे करेंगे सिक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई फाइव माइनस वन माइनस वन। अब हम इसे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये फाइव की आ जाएगी सिक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई फाइव ज़ीरो। और अब हम गाइस इसे इस तरह करेंगे सिक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वन, ठीक है गाइस। तो ये सिक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और ये आ गया सिक्स गाइस। तो हमारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया गाइस। तो गाइस अब हम चलते हैं पार्ट नंबर थ्री की जानिब। तो यहाँ पे बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं कि ना ये इसको ये समझते हैं अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं गाइस, ये इसकी पावर है, टू की पावर थ्री है, यानी टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू इज इक्वल एट। तो यानी यहाँ फाइव ओवर फाइव की रेज एट आएगा डिवाइडेड बाय। अब ये इसको 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 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा सिक्स। तो गाइस हम इसको इस तरह करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है तो फाइव और पावर एट मल्टीप्लाई वन ओवर फाइव सिक्स, ठीक है गाइस। उसके बाद फाइव एट पावर एट फाइव और ये हो गया सिक्स। तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे, फाइव एट माइनस सिक्स आ गया, तो गाइस ये आ गया फाइव का स्क्वायर, उसके बाद ट्वेंटी फाइव, ठीक है गाइस। तो अब हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो गाइस अब हम आ गए हैं चौथे क्वेश्चन की जान, इसको भी इस पहले क्वेश्चन की तरह या तीसरे क्वेश्चन की तरह यहाँ पे आ गया एक्स सिक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एट आ गया, ठीक है गाइस। तो ये इस तरह आएगा एक्स सिक्स ओवर फाइव एक्स की पावर एट आ गया, ठीक है गाइस। तो ये एक्स सिक्स माइनस एट, यानी हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर आ गई माइनस टू। तो हम इसे पॉजिटिव हमेशा रखना है तो इसे लिख देंगे वन ओवर एक्स स्क्वायर। तो गाइस हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप हमारे चैनल को लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।